बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अपना किचन जायका। आज हम बनाएंगे अंडे वाली चाउमीन। अंडे वाली चाउमीन बनाना बहुत आसान है, ये बड़े मज़े की बनती है। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं अंडे वाली चाउमीन। अंडे वाली चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी को बॉयल कर लिया है। पानी हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है और अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें चाउमीन डाल देंगे। चाउमीन हमारी जब तक बॉयल होगी हम अंडे फोड़ लेते हैं। अब हम इसका ऑमलेट बना लेते हैं। पैन हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। यहाँ पे हमने अंडे को सादा बनाना है, नमक नहीं डालना है। सारा नमक हमारा चाउमीन में पड़ जाएगा। रिफाइंड ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गरम हो गया है और अब हम इसमें अंडा डाल देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम चला देंगे ताकि हमारी भुजिया बनकर तैयार हो जाए। अंडे वाली चाउमीन बहुत ही शानदार होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। अंडे की भुजिया हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको गैस से उतार देंगे और अपनी चाउमीन देख लेते हैं कैसी बनी है। चाउमीन को अब एक बार हम चेक करेंगे। चाउमीन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम इसको गैस से उतार देंगे और सब्जी का प्रोसेस शुरू करते हैं। चाउमीन को अब हम पानी से अलग कर लेंगे। चाउमीन को हम थोड़ा सा हवा में रख देंगे ताकि ये हमारी चाउमीन अच्छी तरीके से सूख जाए और इसका पानी भी अलग हो जाए। चाउमीन को अगले प्रोसेस में बनाने के लिए हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। 4 से 5 चम्मच ही रिफाइंड ऑयल पड़ेगा, इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। रिफाइंड ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और सबसे पहले हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। हल्का सा इसे चला देंगे। हम 2 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। हमें ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना है। थोड़ी सी हम गाजर डालेंगे। ऑनियन लीफ का वाइट पॉट इसमें हम डाल देंगे। थोड़ी सी हम हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। शिमला मिर्च डाल देंगे हम कटी हुई, ये आधी शिमला मिर्च है। गैस की फ्लेम को हम लो और हाई करके इसको तैयार करेंगे। 2 चम्मच हम विनेगर डालेंगे। 2 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। 1 चम्मच हम ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। 2 चम्मच टमाटर सॉस डालेंगे। थोड़ी सी इसमें हम बंद गोभी डाल देंगे कटी हुई और इसको हल्का सा चला देंगे हम इसको। अब हम इसमें अंडे की तैयार की हुई भुजिया डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। सब्जी हमारी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। अब हम इसमें चाउमीन डाल देंगे। चाउमीन हमने डाल दी है, अब हम इसको अच्छी तरीके से सब्जी में मिला देंगे। चाउमीन को हमने हल्का सा मिला दिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम पानी में डाल चुके हैं और सॉस में भी नमक होता है। और थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, लगभग आधा चम्मच पाउडर डाला है हमने। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। चाउमीन की रेसिपी में 10 से 12 मिनट लगते हैं और चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। चाउमीन हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। चाउमीन को हमने गैस से उतार लिया है और डिश आउट करेंगे इसको हम। उससे पहले हम ऑनियन की ग्रीन लीफ डाल देंगे इसमें थोड़ी सी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। अंडे वाली चाउमीन हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। हमने चाउमीन को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अंडे वाली चाउमीन आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।